हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेड स्टार्ट कंप्यूटर। और आज हम लोग क्यूबेसिक में इफ एल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्यूबेसिक में इफ एल स्ट्रक्चर में से हम लोग तीन अलग अलग स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अगर हम लोगों के पास सिर्फ एक ही कंडीशन है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इफ, उसके बाद कंडीशन जो है उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद लिखना है देन, और उसके बाद जो भी कुछ एग्जीक्यूट करना है, जो भी कुछ रन करना है या कैलकुलेशन करना है या कुछ प्रिंट करना है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, इट मे बी वन, इट मे बी मोर देन वन, तो स्टेटमेंट्स को लिखेंगे और उसके बाद हम लोगों को एंड इफ देना है। हर बार इफ के बाद इफ स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए एंड इफ होता है। तो अगर सिर्फ एक ही कंडीशन हुआ तो हम लोग इफ देन और एंड इफ स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं। अगर हम लोगों के पास दो कंडीशन है, एक हम लोग लिखेंगे इफ में इफ, उसके बाद जो कंडीशन है वो कंडीशन, उसके बाद देन, उसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा हम लोगों को, अगर वो कंडीशन ट्रू रहा तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो स्टेटमेंट लिखेंगे। वो कैलकुलेशंस भी हो सकता है, कुछ प्रिंट भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर ये कंडीशन सही नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, तब एग्जीक्यूट होगा एल स्टेटमेंट। एल्स के बाद हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कंडीशन या देन लिखा हुआ नहीं है। एल्स के बाद सीधा आ जाएगा वो स्टेटमेंट जो ये कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करेगा, तो स्टेटमेंट टू। और उसके बाद हम लोगों को, जैसे कि मैंने पहले बताया, इफ स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए एंड इफ देना होता है। अगर ऐसा है कि हम लोगों के पास मोर देन टू कंडीशंस आ गया हो तो हम लोग करेंगे इफ, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद देन, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट या जो भी कुछ एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे। बीच में जो सेकेंड कंडीशन है उसमें आएगा एल्स इफ, ध्यान रखना एल्स इफ के बीच स्पेस नहीं होगा। एल्स इफ के बाद सेकेंड कंडीशन, जो भी कंडीशन होगा उसके बाद देन लिखना है, उसके बाद जो भी कुछ स्टेटमेंट रन करवाना है वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर देना होगा, और एकदम लास्ट में आएगा एल्स केस जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगा, देन नहीं होगा, और उसमें आएगा वो स्टेटमेंट जो इन दोनों कंडीशन के लिए फॉल्स है। ये कंडीशन के लिए भी फॉल्स है, इस कंडीशन के लिए भी फॉल्स है, वो स्टेटमेंट एल्स में आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ कंडीशंस जितना ज़्यादा होगा इसके बाद से, अगर हम लोगों के पास पांच कंडीशंस हो गया तो उसका फर्स्ट होगा इफ से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तीन तीन एल्स इफ होगा, और लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो एल्स होगा। यानी कि स्टार्टिंग ऑलवेज इफ से होगा और एंड ऑलवेज एल्स से होगा, और इन बिटवीन जितना भी कंडीशंस हो वो हम लोग मेंशन करेंगे एल्स इफ से, और हर इफ कंडीशन के बाद उसको क्लोज करने के लिए एंड इफ जरूर देना है। अभी हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू ये सब एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। टू स्टार्ट क्यूबेसिक, हम लोगों को डेस्कटॉप में ये शॉर्टकट मिल जाता है, QB64 लिखा हुआ, हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये फुल स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके रख के एंटर प्रेस करना है। रेम मतलब रिमार्क, मतलब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, रेम के बाद जो भी हम लोग लाइन लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर कुछ रिमार्क्स लिखना है तो हम लोग रेम लिख के उसके बाद लिख सकते हैं। सपोज हम लोग एक प्रोग्राम ट्राई करना चाहते हैं जो है इनपुट नंबर एंड प्रिंट ओनली व्हेन इट इज़ पॉजिटिव। सो अगर हम लोग एक नंबर इनपुट लेंगे, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अगर वो नंबर नेगेटिव है तो वो प्रिंट ही नहीं होगा, और सिर्फ पॉजिटिव होने पे प्रिंट होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, पॉजिटिव होने से ही उसको प्रिंट करना है, नेगेटिव होने से क्या करना है ऐसे कुछ बताया नहीं गया है। तो इसमें जो इफ स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे उसमें सिर्फ एक ही इफ होगा और उसके बाद एंड इफ हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है बोल करके यहाँ पे एल्स या एल्स इफ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इनपुट लेना है, क्लियर स्क्रीन कर दिया, उसके बाद इनपुट के लिए इनपुट स्टेटमेंट, एक टेक्स्ट लिख देता हूँ जिसमें ये प्रोग्राम और भी यूज़र फ्रेंडली होगा, यूज़र को समझ आएगा कि हम लोगों को इनपुट क्या देना है। एंटर
ए नंबर, और सपोज़ हम लोगों को ये नंबर इनपुट लेकर एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, इसलिए हम लोग सेमी कोलोन के बाद एन लिख रहे हैं। अब चेकिंग होगा इफ से, इफ़ द कंडीशन इज एक पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ज़ीरो या उससे ज़्यादा होता है, सो द वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू पहले देने से नहीं होगा, ग्रेटर देन साइन पहले आएगा उसके बाद इक्वल टू ज़ीरो। तो कंडीशन में मैंने बताया कि एन का वैल्यू, एन चाहे जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा, एन का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर या इक्वल टू ज़ीरो, देन ओनली इट प्रिंट्स इट इज़ पॉजिटिव। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, उसके बाद वो नंबर लिखेंगे, नंबर किस में है एन में, तो एन, उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे हम लोग ये सेमीकोलन साइन दे सकते हैं, टेक्स्ट के लिए हम लोग लिखेंगे इज पॉजिटिव। तो ये आउटपुट जो मैंने लिखा है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट में तो ये एन का वैल्यू प्रिंट कर देगा, एन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, एन का वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद आएगा इज पॉजिटिव, तो नंबर पॉजिटिव आएगा। हम लोगों के पास कोई एल्स कंडीशन नहीं है इसलिए एल्स नहीं लिखेंगे, एल्स इफ भी नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग इफ को क्लोज करेंगे। इफ क्लोज करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है एंड इफ, देन प्रोग्राम क्लोज करना है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं एंड। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग जाएंगे रन में, इसमें से स्टार्ट, या कीबोर्ड से हम लोग F5 भी दे सकते हैं। ये रहा आउटपुट विंडो, इसमें हम लोगों को नंबर इनपुट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट किया -5, तो इसमें कुछ आउटपुट आया ही नहीं इस बार में, क्योंकि -5 जो है वो 0 से कम है और नेगेटिव नंबर है। और एक बार रन करवाते हैं F5 प्रेस करके, इस बार हम लोग 5 इनपुट कर रहे हैं, तो ये शो कर रहा है 5 इज पॉजिटिव। तो इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि है नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, देन ओनली इट विल प्रिंट, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन है। सपोज इस प्रोग्राम में हम लोग ऐसे दो कंडीशन दे दिए कि अगर ज़ीरो या उससे ज़्यादा हुआ तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोगों को यहाँ पे else कंडीशन लेके आना पड़ेगा। और जैसे कि else स्ट्रक्चर में हम लोग बताए थे ये वाला यूज होगा हम लोगों का, क्योंकि इसमें if के बाद हम लोग कंडीशन दे दिए, उसके बाद then, उसके बाद जो स्टेटमेंट हम लोग जो प्रिंट करवाने जा रहे हैं n का वैल्यू, और लिख के प्रिंट करवाएं कि is पॉजिटिव, इसमें else भी यूज होगा और उसमें दूसरा स्टेटमेंट आएगा, लेकिन एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन नहीं होगा, देन भी नहीं होगा। सो हम लोग यहाँ पे एल्स लिखें, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं होगा, देन भी नहीं होगा, सीधा हम लोग स्टेटमेंट पे आएंगे, स्टेटमेंट ऐसा ही होगा लेकिन इसमें पॉजिटिव के बदले नेगेटिव आएगा। प्रिंट एन सेमीकोलोन विद इन इनवर्टेड कॉमा is negative. Okay, so if the value of n is greater than or equal to 0, then only it prints it's positive. Otherwise means n ka value 0 se kam hi hoga, to otherwise jo bhi kuch hoga wo else condition mein aa jayega, jabki n ka value negative bataya jayega. So hum log isko run karte hain. -10, देखो ये प्रिंट हो रहा है, इट्स नेगेटिव। वापस एक बार रन करवाएंगे, 50, इट्स पॉजिटिव। सपोज दिस टाइम हम लोग इस प्रोग्राम में और थोड़ा सा ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर माइनस में हो वो नेगेटिव शो करे, ओके, अगर 1 या उससे ज़्यादा हो तभी पॉजिटिव शो करे, लेकिन अगर 0 को इनपुट करता है तो हम लोग उसको 0 ही प्रिंट करेंगे। तो इसमें हम लोगों के पास तीन कंडीशन आ जा रहा है, एक तो ये है कि 1 या उससे ज़्यादा हुआ तो वो पॉजिटिव शो करे, एक ये है कि 0 से कम हुआ तो
तो वो नेगेटिव शो करे, और एक एल्स कंडीशन है मतलब कि 1 या उससे ज़्यादा भी नहीं, 0 से कम भी नहीं, तो एग्जैक्ट क्या होगा, 0 होगा, तो हम लोगों को 0 लिख के प्रिंट करना है। तो इसमें 3 कंडीशन हो गया, इसलिए फर्स्ट टाइम इफ आएगा, उसके बाद कंडीशन 1, उसके बाद देन और स्टेटमेंट, इसके बाद आएगा एल्स इफ, सेकंड कंडीशन, देन सेकंड स्टेटमेंट, और लास्ट में आएगा एल्स। क्वेश्चन में थोड़ा अल्टरेशन कर लूँगा, इसमें ये इक्वल टू साइन नहीं होगा, इट शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, देन ओनली पॉजिटिव। एल्स इफ में कोई स्पेस नहीं होगा, ध्यान रखना है, एल्स इफ के बाद कंडीशन होगा, द वैल्यू ऑफ n शुड बी लेस देन 0, देन ओनली इट विल प्रिंट एज नेगेटिव, एंड दिस टाइम एल्स कंडीशन, सो मैंने इसको बता दिया है कि अगर ये 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, 0 से कम है तो नेगेटिव प्रिंट करेगा, तो एल्स में क्या बचा, एग्जैक्ट 0, सो प्रिंट में हम लोग लिख देंगे इनपुट इज 0। ओके, सो इफ कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1, एल्स इफ कंडीशन 2 देन स्टेटमेंट 2, एल्स नो कंडीशन नो देन, उसके बाद स्टेटमेंट 3, लास्ट में एंड इफ। -6 ये नेगेटिव शो कर रहा है, एक पॉजिटिव नंबर देते हैं 14, ये पॉजिटिव शो कर रहा है, और इस बार हम लोग इनपुट देंगे 0, तो ये प्रिंट कर रहा है इनपुट इज 0। सो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को ये इफ स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, हम लोग इफ के ऊपर और भी वीडियोस लेके जल्दी वापस आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तब तक के लिए थैंक यू।